Hello everyone, are you fine? I will teach you subject EVS. We will start lesson 7. तो हमारा लेसन था बेटे आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े. तो इसमें बेटा हमारा था ओपन योर बुक, पुट योर फिंगर ऑन योर बुक. तो हमारा क्या है बेटा, वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्व्स. हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या पहनते हैं, क्लोथ्स. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. ये हमें किससे हमारी सुरक्षा करते हैं, हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, रेन, वर्षा से, डस्ट, धूल मिट्टी से, इंसेक्ट बाइट्स, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े. We wear different clothes in the different season. हमें क्या करना चाहिए बेटे, जब क्या लिखा हुआ है इसमें कि हम different season में different clothes पहनते हैं. ठीक है ना बेटा, clothes जो है हम समर में समर के क्लोथ, विंटर में विंटर क्लोथ, रेन में रेन. तो हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन द समर सीजन. हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के कॉटन के भी और लाइट कपड़े पहनते हैं. दे कीप अस कूल, क्योंकि ये हमें क्या रखते हैं, ठंडा. वी गेट वाटर फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन के कपड़े जो है हम किससे लेते हैं, कॉटन प्लांट्स, कॉटन के पौधों से. वी वियर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर सीजन. हम सर्दियों के कपड़े किस में पहनते हैं, वूलन, गर्म कपड़े पहनते हैं विंटर सीजन, सर्दियों के सीजन. दे कीप अस वार्म, ये में क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप, ये हमें किससे मिलती है, भेड़ से. जो भेड़ होती है वो हमें क्या देती है, ऊन, और ऊन हमें क्या रखती है, वार्म, गर्म रखती है. वही यूज रेन कोट्स, वर्षा के कपड़े जो होते हैं, रेन कोट होता है, गम कोट्स होते हैं हमारे पास, एंड अम्ब्रेलास, छाता इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, रेन कोट पहनते हैं, गम बोट्स और छाता रेनी सीजन में हम यूज करते हैं. दे प्रोटेक्ट अस
फ्रॉम रेन, ये हमें बारिश से सुरक्षा करता है। चिल्ड्रन लाइक टू वियर कलरफुल क्लोथ्स, बच्चे जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जैसा कि टी शर्ट। पिक्चर दे रखी है हमें लाइक दिस, टी शर्ट फ्रॉक शर्ट स्कर्ट। और क्या है वो स्पेशल क्लोथ होते हैं, हम उसको अलग से ही रखते हैं कि ये हमारे नए हैं, हम पार्टी
में जाएंगे तो ये पहनेंगे, शादी में जाएंगे तो ये पहनेंगे, और त्यौहार पे ये पहनेंगे। These are colorful clothes. ये हमारे क्या होते हैं? Colorful, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? रंग बिरंगे कपड़े। ये हम सिर्फ किसी पहनते हैं ओकेजन पे। We should always wear neat clothes. हमें हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ सुथरे। They help us to look smart. ये जो हम अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो हम किसके लिए पहनते हैं? अपने सुंदर दिखने के लिए। ठीक है बेटा, तो हमारा इस लेसन में क्या था बेटा? डू एंड होल्ड, लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट। अब आप कुछ छोड़ोगे, सिर्फ आप हैंड होल्ड करके बैठोगे और मैम की सुनोगे कि मैम आपको क्या बता रहे हैं। हमारा लेसन है 7, और क्लोथ। आवर क्लोथ क्या होता है? हमारे कपड़े। हम कपड़े किस लिए पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने, क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं। कैसे? गर्मी से, सर्दी से, और धूल मिट्टी से, और कीड़े मकोड़ों से। हम हर सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मी में गर्मी के, सर्दी के सर्दी में, वर्षा के दिनों में वर्षा। हम क्या पहनते हैं? समर में कॉटन क्लोथ पहनते हैं, और कॉटन क्लोथ क्या रहते हैं? हमारे लिए कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं। वो हमें मिलते किससे हैं? कॉटन प्लांट में होते हैं। फिर अब आ रहा है सर्दी के कपड़े। हम सर्दी में पहनते हैं क्योंकि वो हमारे लिए क्या होते हैं? गर्म होते हैं। मगर वो हमें किससे मिलती है? शीप से, भेड़ से। वो हमें ऊन देती है, ऊन देती है, ऊन से हमारे गर्म कपड़े बनते हैं। जब बारिश आती है तो हम रेनकोट, गम बोट्स, अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो ये हमें किससे सुरक्षा करते हैं? हमारी वर्षा से। फिर आ जाती है बच्चों की बात कि बच्चे जो है वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे। जैसे किसी ने टी शर्ट पहन ली, फ्रॉक पहन ली, जीन्स पहन ली, ट्राउजर पहन लिया, शॉर्ट्स पहन लिया, स्कर्ट पहन ली, टॉप पहन ली। ये तो हमारा था फर्स्ट फेज 7th लेसन कि इसमें क्या क्या था। 7th लेसन का आपका समझ में आ गया कि आपके 7th लेसन में वर्क पेज में क्या था? कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, कौन कौन से सीजन में पहनते हैं, ये हमें मिलते कहाँ से हैं, और हमें कैसे बचाते हैं, और बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं और क्या क्या पहनते हैं। इसमें आपको पिक्चर में मेंशन की है। 2nd पेज हमारा है 35। इसमें ये बताया हुआ है कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसा कि डॉक्टर, नर्स, पोस्टमैन, पुलिसमैन, इनकी क्या होती है? वर्क है, इनके काम के अकॉर्डिंग इनकी यूनिफॉर्म होती है। जिसका जो काम होगा वो वैसे ही यूनिफॉर्म पहनेगा। डॉक्टर डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म, नर्स नर्स की यूनिफॉर्म, पोस्टमैन अपने पोस्टमैन वाली यूनिफॉर्म, पुलिसमैन अपने पुलिसमैन वाली यूनिफॉर्म। और बच्चे जो होते हैं वो
सी यूनिफॉर्म पहनते हैं? स्कूल यूनिफॉर्म। जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। और दूसरा जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, हर किसी स्कूल की अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है। ठीक है बेटा, अब आ जाता है हमारा कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जब हम ऑफिसन पर डालते हैं, हम नहीं रखते थे ना साइड में, ये हम शादी में पहनेंगे, भैया की शादी होती थी कोई या किसी और के, तो हम कहते हैं ना ये वेडिंग, ये शादी के कपड़े हैं, शादी में पहनेंगे। अब दिवाली भी शहर आ जाता है, हम उस पर कपड़े पहनेंगे, वो अलग पहनते हैं। पार्टी में जाते हैं तो उसमें भी हम अलग कपड़े पहनते हैं, मगर वो हमारे कपड़े क्या होते हैं, कलर रंग बिरंगे होते हैं। और हमें वैसे कपड़े पहनने कैसे चाहिए, साफ सुथरे, क्योंकि हम उसमें सुंदर दिखे। ठीक है बेटा, पहनते तो हम कपड़े अपनी बॉडी को कवर कर लेते, मगर हर सीजन, हर ओकेजन, हर ड्रेस के अकॉर्डिंग, स्कूल यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग या वर्क के अकॉर्डिंग भी हम अपने अपने कपड़े पहनते हैं। तो आपको लेसन क्लियर हो गया कि हमारा एग्जाम लेसन में क्या था, कि हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए, कौन सी सीजन में पहनने चाहिए, वर्क के अकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए, और वेडिंग फेस्टिवल्स पार्टीज में हमें कैसे करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या था इस लेसन में, कि हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए अपनी बॉडी को ढकने के लिए, मगर हम सर्दी में अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मी में अलग कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी में अगर हम गर्मी के कपड़े डाल रहे हैं, गर्मी में सर्दी के डाल कैसे चलेगा, अगर हम गर्मियों के कपड़े पहनेंगे तभी तो हमारी, गर्मियों में गर्मी के कपड़े पहनेंगे तभी तो वो हमें ठंडे रहेंगे, और सर्दियों में अगर हम सर्दी के कपड़े पहनेंगे तभी वो हमारे को गर्म रहेंगे, और जब बारिश का मौसम आएगा तो रेनकोट, रेन कोट्स, गम बोट्स, अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करेंगे। और जो डॉक्टर होते हैं, देखो आप जाते हो, वो अगर अपने वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो अपने काम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं ना, डॉक्टर को आप कैसे पता चलेगा, आपको डॉक्टर, आप जाते हो डॉक्टर की शॉप पे, क्लिनिक पे जाते हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो डॉक्टर है, किसी तरह से पता ही तो चलता होगा। जब डॉक्टर आ जाता है तो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहना था, हम कहते हैं डॉक्टर साहब, जो नर्स हमारे लिए दवाई वगैरह लाते थे हम कहते नहीं ये नर्स है। अब जाके आ जाता है क्या पता, कोई भी आ जाए हमारे घर, हमें पता है कि कौन है, तो उसने यूनिफॉर्म पहननी होती है डाकिया में, तो हमें क्या लगता है वो डाकिया। पुलिस वाले खड़े होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है उनकी यूनिफॉर्म से कि वो पुलिस वाले। स्कूल में हम जाते हैं, हर स्कूल के अब कोई आ रहा था बच्चा, हमें कैसे पता चलता है किस स्कूल का, तो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म से ही हमें पता चल जाता है कि ये स्कूल का बच्चा है, तो वो बहुत पहनता है। वैसे घर में बच्चे जो है वो कलर वाले कपड़े पहने रखते हैं। दूसरा, हम शादियों में जाते हैं हर कोई अलग अलग कपड़े पहनता है कि ये नए कपड़े हैं, मैं शादी में पहन के जाऊँगा, कहते हैं ना बेटा। तो जो नए कपड़े पहनता है कि मैं ये शादी में डालूंगा, मैं तो ये शादी में शादी से जाऊंगा तभी पहनूंगा। और कुछ ऐसा होता है कि हम पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी होती है किसी, उसमें जाते हैं, हम कहते हैं रख दो ये शादी पार्टी में जाएंगे फिर पहनेंगे। अब हमारे दिवाली आ जाती है, दशहरा आ जाता है, कोई भी त्यौहार आ जाता है तो हम नए कपड़े पहन लेते हैं, मगर वो होते क्या है, कलरफुल होते हैं। ये कपड़े हमें कैसे पहनने चाहिए, साफ सुथरे, क्योंकि अगर हम साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तभी तो सुंदर दिखेंगे। अगर हम मैले कुचैले कपड़े पहन के खड़े हो जाएंगे कि मम्मी आज मत धो, या आपको मम्मी पहना, या आप खुद उठा के पहन लो गंदे कपड़े, तो आप अच्छे लगोगे नहीं, और आपको क्या आती रहेगी, बदबू आती रहेगी कपड़ों में से, और मैले कपड़े कितने काले
वाले नजर आएंगे आप, आएंगे ना, तो यहाँ धोते भी हैं कपड़े अच्छे से, प्रेस भी करते हैं हमको, तभी पहनते हैं ना हम कपड़े। तो हमारा लेसन 7 आवर क्लोथ का आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका लेसन 7 है जो आपने रीडिंग करना है। आज का आपका लेसन क्या था? आवर क्लोथ, कि हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए, कहाँ कहाँ कौन से कपड़े पहनना चाहिए और हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। ओके बेटा, तो रीडिंग का आपका रहेगा लेसन 7।